Are you serious? YouTube चैनल सो आज मैं करने वाली हूँ मेकअप वीडियो चैलेंज। मेकअप वीडियो चैलेंज जो है वो ऐसा वैसा मेकअप वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं मेकअप करने वाली हूँ स्नैपचैट के फिल्टर जैसा। अभी इसी मंथ की 31st डेट को शायद हॉलोविन डे है और स्नैपचैट पे काफ़ी ट्रेंड वाले हॉलोविन फिल्टर आ चुके हैं, तो उन्हीं का जैसा मेकअप करना है। लोग सोच रहे होंगे कि स्नैपचैट वाले फिल्टर जैसा ही हॉलोविन मेकअप क्यों, तो जो स्नैपचैट है वो ट्रेंडिंग का माल उठा के लाता है। जो हमेशा याद रखना, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो जो ट्रेंड में है उसी को फॉलो। मेरे घर पे कोई नहीं है तो मुझे थोड़ा सा घर का काम खत्म करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ में वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूँ काम करते हुए। तो क्या नाचोगे? मतलब व्हाट इज दिस दीदी? सो मेरे घर का सारा काम अभी हो चुका है, अभी मैं नहा के आऊंगी एंड नहाने के बाद मिलते हैं। अभी जिसको असली मायनों में फ्री होना बोलते हैं उस मायनों में मैं फ्री हो चुकी हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी भी मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं आए हैं, मेरा छोटा भाई आने वाला है कॉलेज से, तो उससे पहले मैं अपने वीडियो का जो काम है जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि उनके सामने वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा और उनको पता भी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है या मैं ऐसे कुछ वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज़ ही रहना चाहिए, उनको पता भी नहीं लगना चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अभी आ गई हूँ रिकॉर्डिंग करने। सो अभी मैंने 2-4 फिल्टर्स कुछ सिलेक्ट किए हैं जो कि मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ में। पहले जो 2 फिल्टर हैं वो बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही नॉर्मल से हैं, किसी भी ड्रेस के साथ अगर आप पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो हॉलोविन के, तो वो किसी के साथ भी शूट कर जाते हैं। फर्स्ट में मैं ट्राई करने वाली हूँ ये जो बो वाला फिल्टर है, ये वाला फिल्टर मैं बनाने वाली हूँ। सो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसके लिए कुछ नहीं, आपको बस वाइट कलर की ज़रूरत है। उससे पहले हम अपने मेकअप का बेस बना लेते हैं। मैंने अपने फेस को सिर्फ मॉइस्चराइज़र किया है, क्योंकि मैंने प्राइमर वगैरह नहीं लगाने वाली, क्योंकि मैं कितनी बार इसको उतारूँगी और ट्राई करूँगी तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेरा प्राइमर वेस्ट हो जाएगा। सो थोड़ी सी बचत करते हुए मैं सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। समझ रहे हो? देन अपना बेस बनाने के बाद सीधा ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगी। बहुत ही लाइट कवरेज वाला फाउंडेशन है, मतलब बहुत ही नेचुरल सा लुक जब मैं क्रिएट करना होता है तो ये वाला फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ। और इसको चुड़ैल वाला मेकअप करने की जरूरत ही क्या है, ये फाउंडेशन लगाने के बाद वैसी चुड़ैल जैसी शक्ल लग रही है, गजब बेइज्जती है। आई मेकअप के लिए मैं कोई भी लाइट सा शेड यूज कर रही हूँ कि सिंपल बस लगे कि मेकअप किया हुआ है। लगाना ब्रश के बाद मैं वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगी। वाटर कलर से अपने फेस पे पेंट करने वाली हूँ। ये इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं देते, वाटर कलर जो होते हैं वो ज़्यादा केमिकल नहीं होता उनके अंदर, तो जब भी मैं कोई फेस पे क्रिएशन करती हूँ तो वाटर कलर ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जो पहले डॉट्स बने हुए हैं नोज पे, वो वाले मैं बना लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि जो भूत वाले होते हैं उनकी कोई शेप नहीं होती, वो एक हवा की तरह होते हैं, तो जैसे भी आपको बनाना आता है वैसे बनाओ। जो फिल्टर में वो थे वो बहुत ही छोटे छोटे और क्यूट क्यूट थे, और मैंने कितने बड़े बड़े अपने फेस पे बना लिए। वैसे इतने बड़े ठीक है, दूर से दिखना चाहिए कि बंदे ने कुछ अजीब सा यूनिक सा मेकअप किया हुआ है, लगना चाहिए मेकअप किया हुआ। ये अभी जो सूख चुका है तो अभी मैं इसके ऊपर इनकी आइस बनाने वाली हूँ। आइस के लिए बस कुछ नहीं, 3 डॉट आपको बनाने हैं सिर्फ। देखना मैं दिखाती हूँ कैसे, अभी ये प्रॉपर लग रहा है। जो वो वाला मेकअप है वो रेडी हो चुका है और देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। और ये करके आप पार्टी में जाओगे तो सब सबके सब हैरान रहने वाले हैं।
सो ये जो मेकअप है वो बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ यूनिक सा है। बस थोड़े से जो बो का साइज था वो बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। अगर मैं इतनी दूर भी आप लोगों से बैठी हूँ तो आप मेरा साफ मेकअप देख सकते हो, इसलिए थोड़ा बड़ा अच्छा है। सो ये वाला मेकअप जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब बारी है नेक्स्ट मेकअप की, वो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। इस कलर का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये कलर ना बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है, आपको पानी की भी जरूरत नहीं है। मैं दिखाती हूँ कैसे। आसानी से यहाँ वाला जो वो था वो गायब हो गया, तो ऐसे ही बाकी वाले मैं रिमूव कर दूंगी। मुझे बार बार फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये वाला एरिया ही दोबारा से कवर करना पड़ेगा। जो यहाँ यहाँ से फाउंडेशन हटा था वो मैंने वापस लगा लिया कि थोड़ा फेस जो इक्वल दिखना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट मेकअप है वो इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सा ही है। ये जो यहाँ पे आइज़ के पास यहाँ पे वो बने हुए हैं, उन्होंने आँखें थोड़ी सी डार्क करनी है एंड जो लिप्स है वो थोड़े से डार्क है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो ये वाला मेकअप जो है ट्राई करते हैं। अभी थोड़ा सा जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पे ऐसे मैसी सा लगा लेना है। हमारा वो है वो हम ड्रॉ करते हैं। हॉलोवीन मेकअप नहीं, क्यूट मेकअप रख देना चाहिए। आप लोगों को भी ये वाला मेकअप अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा वाला मेकअप ज्यादा। इसके बाद जो मेकअप है वो ये वाला है, ये वाला मैं ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। ये वाला जो मेकअप है इसके लिए थोड़ी सी आईब्रोज भी फिल करनी पड़ेगी, तो पहले हम आईब्रो फिल कर लेते हैं। मैं ब्लश भूल गई थी, पहले जो है ब्लश वाला काम खत्म करते हैं। ये चुड़ैल ने जो इतना ब्लश क्यों लगाती है मुझे समझ नहीं आता। चुका है अभी यहाँ पे आईज के यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेड कलर की लाइन है, मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे आंख के ऊपर एक जख्म बना हुआ है, तो वो वाला बनाने की ट्राई करते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? थे वो भी नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास लैशेस हैं पर मुझे लगाने नहीं आते हैं। लैशेस किस तरह लगाते हैं, यही बात लेंस की, तो लेंस मेरे पास नहीं है, तो मैंने एक आइडिया निकाला है। यहाँ से अगर आप मेकअप करके जा रहे हो तो यहाँ से ऐसे कर लेना, यूँ कर लेना, तो एक आँख में जो है वो यूँ करके घूमना तो सारी जगह ऐसा लगेगा। सो आई होप आपको आज की मेकअप की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेकअप प्लस ब्लॉग जो मैंने आज बनाया। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बनाया, ये वीडियो थी, ब्लॉग थी, कुछ भी था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना।